वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार, मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का ट्रेड हीट इंजन और डीजल मैकेनिक्स। दोनों ट्रेड मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि हीट इंजन का ही 50% सिलेबस अपने लोगों का डीजल मैकेनिक का सिलेबस है। और डीजल मैकेनिक जो है सो आईटीआई का जो है सो एक साल का ही कोर्स होता है। और अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन के बारे में, ये आप लोगों का कॉमन है, मतलब ये हीट इंजन में भी पढ़ना है और डीजल मैकेनिक में भी पढ़ना है। तो मैं इस पे एक कॉमन लेक्चर बना रहा हूँ और आप दोनों के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोगों का जो भी ट्रेड है आप लोग देख लेना, ओके। और ये पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन का पार्ट 2 है, तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना। और पार्ट 1 और 2 अगर दोनों देख लोगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा आप लोग आराम से बना दोगे। आप लोग क्या करना, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, वहां पे मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का लिंक डाल दिया है और जो भी चीज मिलेगा वहां पे आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं की हो तो करके वहां पे आप लोग डिस्कशन करो, आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है वहां पे। आप लोग वहां पे डिस्कशन करो, एक दूसरे का हेल्प करो, जो भी क्वेरीज वगैरह होता है तो वहां पे ग्रुप पे डिस्कशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है पॉइंट नंबर 8 क्रैंक केज। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को 7 चीज मैंने बताया, आप लोगों को 7 पार्ट के बारे में मैंने बताया, टोटल 7 पार्ट्स, और बाकी का 7-8 जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्रैंक केज क्या होता है, आप लोग ध्यान से अगर इस फिगर को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का जो ये फिगर है, हम लोगों को देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बॉक्स की तरह है, तो इसी में सारा सिस्टम हम लोगों का होता है। तो अगर आप लोग इसको पहले से अच्छे से रीडिंग मारोगे तो आप लोगों को ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि इंजन का जो मेन बॉडी होता है, अपना इंजन का जो मेन बॉडी होता है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें अटैच करके रखते हैं। द मेन बॉडी ऑफ द इंजन एट विच द सिलेंडर आर अटैच्ड, है ना। तो इस सारे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और उसको बोलते हैं क्रैंक केज। द मेन बॉडी ऑफ द इंजन एट विच द सिलेंडर आर अटैच्ड एंड विच कंटेन्स द क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट बियरिंग इज कॉल्ड क्रैंक केज। तो ये सारा सिस्टम आपका उसी में फिट हो जाता है उस बॉक्स के अंदर। और ये जो है सो इट सर्व्स एज द लुब्रिकेटिंग सिस्टम टू, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये जैसे आपको होल दिख रहा है, देखो ध्यान से आपको ये होल दिख रहा होगा, तो ये सब का काम क्या है, हम लोग इसमें ऑयल डाल देते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अपने लोगों का जो है सो लुब्रिकेटिंग सिस्टम मेंटेन रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, उसका उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, और ये जो है एयर टाइट भी होता है और फ्रीली स्लाइड भी करता है। और ये स्लाइड कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपका जो है सो लुब्रिकेशन का सहारा लेंगे। और वैसे भी जहाँ भी मशीन का यूज होता है, जहाँ कहीं भी आपका नट बोल्ट का यूज होता है, जहाँ कहीं भी हम लोग इस तरह का कोई चीज टाइटनिंग करते हैं, या आप लोगों को इतना पता होगा कि स्मूथली रन करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल का सहारा लेते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ये वाल्व है, और वाल्व मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह का वाल्व होता है, एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। तो जैसे कि ये सिलेंडर है, इधर आपका इनलेट वाल्व होता है और इधर आपका आउटलेट वाल्व होता है, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को फिगर पे फोकस करो, कि फिगर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया लगेगा। अब बताओ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वाल्व का पोजिशन सिलेंडर में कहाँ पे रहता है, आप लोग अपर पोर्सन पे, ठीक है। इनलेट वाल्व का क्या काम है, ये एयर फिल मिक्सचर को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। आउटलेट वाल्व का क्या काम है, ये जो आपका एग्जॉस्ट होता है, प्रोडक्ट जो आपका बच जाता है आफ्टर बर्निंग, ठीक है, उसको वो निकालने का काम करता है। इनलेट वाल्व चार स्टेज होता है, तो फर्स्ट स्टेज में इनलेट वाल्व ओपन होता है, और ये वाला ओपन होता है, और आपका फोर्थ स्टेज में क्या होता है, आउटलेट वाल्व ओपन होता है। तो ये सारा भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग एग्जॉस्टिंग प्रोसेस आउटलेट वाल्व आपका ओपन होता है और इनलेट वाल्व आपका फर्स्ट वाले में ही हो जाता है ओपन। और ये वाल्व का सिंबल है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आप लोग बस रीडिंग कर लेना, जितना मैंने बताया वही सारा चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टू कंट्रोल द इनलेट एंड एग्जॉस्ट ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन वाल्व्स आर यूज्ड, है ना। इनलेट और एग्जॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कितना एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, ये सारा चीज करने के लिए हम लोग वाल्व का यूज करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नंबर ऑफ वाल्व्स जो है वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ सिलेंडर पे, है ना। तो
और टू वाल्व्स आर यूज्ड फॉर ईच सिलेंडर, वन फॉर इनलेट एंड वन फॉर आउटलेट। ठीक है, चलो इसके आगे बात करते हैं, स्पार्क प्लग। तो ये स्पार्क प्लग है। अब देखो ये फिगर का सिंबल देख करके आप लोगों को समझ जाना है कि ये स्पार्क प्लग है। और स्पार्क प्लग जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे तो आपके मन में जितना भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सारे का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका यूज करते हैं SI इंजन में, CI इंजन में नहीं करते हैं, याद रखना। CI इंजन में किसका यूज करते हैं? इंजेक्टर का। ठीक है, और अगर बात SI इंजन का आता है तो साथ में आप लोग इसमें पेट्रोल इंजन भी समझ जाना, और CI इंजन का बात आता है तो यहाँ पे आप लोग डीजल इंजन भी समझ जाना। आप लोग सिलेबस देखना, वहां पे आपको कंपैरिजन बिटवीन SI इंजन एंड CI इंजन है, कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है। तो अगर यहाँ पे आपको अच्छा से याद होता है तो आपको वहां पे भी याद हो रहा है, SI इंजन में पेट्रोल इंजन होता है, मतलब पेट्रोल इंजन SI इंजन है, डीजल इंजन CI इंजन है। SI का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन, CI का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब आप लोगों को पता है, इसमें जो इग्निशन होता है वो कंप्रेशन की वजह से होता है, और स्पार्क इग्निशन का मतलब होता है कि इसमें जो इग्निशन होता है वो स्पार्क की वजह से होता है। तो ये सब नाम से भी आप लोग पकड़ने का कोशिश करो। और ये स्पार्क प्लग है, इसका क्या काम है? ये स्पार्क देता है। क्या काम है इसका? ये स्पार्क देता है। जैसे हम लोग गैस जलाते हैं तो लाइटर का यूज करते हैं, क्या करते हैं, मारते हैं तो आपको देखते होंगे आप लोग वहां पे स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलता है और हम लोगों का गैस जलता है। उसी तरह से इसका काम है स्पार्क देना। और इसका यहाँ पे आप लोग अच्छे से रीड कर लेना। ये सारा चीज मैं आपको इतना अच्छा से पॉइंट करके कलर चेंज करके इसलिए बता रहा हूँ कि देखो जिसका कलर मैंने चेंज किया हुआ है वो सारा आपके माइंड में फिट होना चाहिए। जैसे कि स्पार्क इग्निशन इट इज यूज इन SI इंजन, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बाद इसी का नेक्स्ट लाइन देखो, द मेन फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग इज टू कंडक्ट अ हाई पोटेंशियल फ्रॉम द इग्निशन सिस्टम इनटू द कंबशन चैम्बर। तो ये नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से क्या समझना है कि स्पार्क प्लग का मेन फंक्शन क्या होता है? इग्निशन देना, स्पार्क देना, और उसकी वजह से क्या होता है? इग्निशन होता है। कहाँ पे होता है? सिलेंडर के अंदर होता है। किस में होता है? एयर फ्यूल मिक्सचर में होता है, कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर में होता है। ठीक है, चलो ये हो गया आप लोगों का। इट इज फिटेड ऑन सिलेंडर हेड, ये आपको पता ही है क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको। इनलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है, और यहाँ पे स्पार्क देते हैं। तो ये कहाँ पे देते हैं? अपर पोर्शन पे देते हैं। और सिलेंडर हेड कहाँ पे रहता है? अपर पोर्शन में रहता है। और सिलेंडर हेड में ही आपका इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग ये सारा फिट रहता है। ये सारा चीज मैंने बताया हुआ है तो सारा चीज रिपीट हो रहा है। इंजेक्टर, जैसे ही ये नाम आप सुनोगे आपके मन से दो तीन पॉइंट निकल जाना चाहिए। पहला, ये CI इंजन में यूज होता है, और CI इंजन जैसे ही आया तो आपको डीजल इंजन समझ जाना है। ठीक है, तो इंजेक्टर किसमें यूज होता है? CI इंजन में या डीजल इंजन में। अब देखो ये भी स्पार्क प्लग जैसा ही दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये भी आपका स्पार्क प्लग जैसा ही दिख रहा है। तो इसका क्या काम है? इसका भी काम आप लोग पढ़ लो। नॉर्मली ये भी वही चीज है, लेकिन ये CI इंजन में यूज करते हैं, और ये कंप्रेशन इग्निशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यूज करते हैं हम लोग CI इंजन में, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। इट स्प्रेज द फ्यूल इनटू कंबसन चैम्बर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है वहां पे फ्यूल को ये क्या करता है? इंजेक्ट करता है। देखो नाम से पकड़ने का कोशिश करो, इंजेक्ट, इंजेक्ट करता है। इंजेक्टर क्या करता है? फ्यूल को इंजेक्ट करता है। कहाँ पे? कंप्रेशन स्ट्रोक के समय चैम्बर के अंदर। और सिंपल सा फंडा है कि ये भी कहाँ पे होगा? सिलेंडर हेड में ही होगा। और ये है आपका मैनिफोल्ड। अब देखो मैनिफोल्ड क्या है, अगर नहीं भी समझ में आएगा, अगर आप लोगों को फिगर पता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा है कि मान लो कोई भी चीज यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, या यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि दो तीन पाइप का कॉम्बिनेशन है। तो यही है मैनिफोल्ड। अब इसका काम क्या है? तो काम आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो अब आप देखो कि द मेन फंक्शन ऑफ मैनिफोल्ड इज टू सप्लाई द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड कलेक्ट द एग्जॉस्ट गैस इक्वली फ्रॉम ऑल सिलेंडर। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ना कि ये सिलेंडर है, यहाँ इनलेट वाल्व है, यहाँ आउटलेट वाल्व है, तो यहाँ से अपना एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। तो ये कहाँ से आता है? क्या ये एनवायरनमेंट से आता है? तो जी नहीं,
वहां से नहीं आता, जहां से हम सप्लाई मारते हैं वहां से आता है। मान लो यहाँ पे सिलेंडर है, इसके थ्रू आता हुआ, मान लो यहाँ पे आपके पास स्टॉक है, इसके थ्रू आता हुआ, किसी भी चीज के हेल्प से ही आता है ना। तो अब मैनिफोल्ड है, ऐसे करके आप देख रहे हो कि पाइप है, तो ये सारा का यूज करते हैं मान लो आने के लिए। इनलेट वाल्व का यूज हो रहा है और इस मैनिफोल्ड का यूज हो रहा है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर को इसमें लाने के लिए। अब यहाँ से फोर्थ स्टेप में चले जाओ आप, जहाँ पे आपका क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस बनता है, मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर के जलने के बाद जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट बचता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब वो आपका निकलेगा, तो वो आपका निकलेगा तो फिर वो किसी पाइप के हेल्प से निकलेगा, तो फिर यहाँ पे कोई मैनिफोल्ड यूज करेंगे। अब देखो सेम मैनिफोल्ड तो यूज कर नहीं सकते हैं, अगर मान लो इसमें पाइप है तो आप कैसे कर सकते हो कि इधर से आएगा और इधर से चला जाएगा, क्योंकि ये भी तो पाइप है ना, तो एक से आएगा और इधर से ही जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आएगा तो ये इधर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, इसके पास इधर का भी रास्ता है, इधर का भी रास्ता है, तो वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी में आएगा, वो इसमें भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग दो मैनिफोल्ड यूज करते हैं, इनलेट वाल्व के लिए अलग से मैनिफोल्ड यूज करते हैं और आउटलेट वाल्व के लिए अलग से मैनिफोल्ड यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं अलग से, क्योंकि देखो ये मैं बताया आपको बार बार कि यहाँ से इनलेट वाल्व है ये आ रहा है। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही मेरा इनलेट वाल्व होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगर चार सिलेंडर हो, पांच सिलेंडर हो, दस सिलेंडर हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, हर सिलेंडर में आपका इनलेट वाल्व होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा, तो मैनिफोल्ड का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पाइप है, मान लो ये मेन पाइप है जिससे जा रहा है मेरा फ्यूल, अब इससे आ रहा है, कोई और सिलेंडर होगा वो इसके थ्रू कनेक्ट होगा, कोई और होगा वो इसके थ्रू कनेक्ट होगा, तो इस इक्वली आता है। और उसी तरह से फोर्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो है सो जो निकलता है मेरा एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, तो वो कोई और मैनिफोल्ड का यूज करते हैं जिसके हेल्प से मेरा निकल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इन एन आईसी इंजन टू मैनिफोल्ड्स आर यूज्ड, वन फॉर इनटेक एंड अदर फॉर एग्जॉस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं कैमशाफ्ट। देखो इसका क्या रोल है, ये आप लोग अगर ध्यान से कभी पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप लोग इससे समझ जाओगे। आप लोग फ्रिज खोलते हो अपने घर में, आप जब फ्रिज खोलते हो तो आप देखना फ्रिज का लाइट जलने लगता है, और जब आप फ्रिज को क्लोज करते हो तो फ्रिज का लाइट ऑफ हो जाता है। मतलब बंद फ्रिज में लाइट हमेशा क्लोज रहता है, ऐसा नहीं है कि फ्रिज बंद होने के बाद भी जलता रहता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मैं फ्रिज ओपन करता हूँ तो लाइट जलने लगता है, और जैसे ही मैं फ्रिज को क्लोज करता हूँ तो लाइट बंद हो जाता है, ये होता है आपका कैमशाफ्ट की वजह से। अब देखो कैमशाफ्ट क्या होता है, तो ये आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना दिया है, ऐसे करके मान लो मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया है, तो ये आपका कैमशाफ्ट है। अब देखो इसका काम क्या है, जब ये राउंड होता है ना तो ये तो सर्कुलर है नहीं, ऐसे करके तो ये है नहीं, ये ऐसे करके है। तो क्या होता है कि मतलब ये इस तरह से हम लोग सेट करते हैं कि जैसे ही मैं फ्रिज को खोलता हूँ तो ये वाला पोर्शन जो है सो मेरा कॉन्टेक्ट करता होगा और सर्किट क्लोज हो जाता होगा और बल्ब जल जाता होगा, और जैसे ही मैं फ्रिज को बंद करता हूँ तो ये वाला पोर्शन मेरा हट जाता होगा और ये वाला पोर्शन आ जाता होगा, जिसकी वजह से मेरा क्या होता है कनेक्शन खत्म हो जाता होगा और मेरा बल्ब नहीं जलता होगा। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसे समझो जैसे कि ये है और जैसे कि ये है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर ये पूरी तरह से सर्कुलर है तो इस कंडीशन में आप दोनों को टच करो, घुमाओ तो ये देखो टच नहीं करेगा, इसको भी आप रोटेट करो और इसको भी रोटेट करो, ये आपस में टच नहीं करेगा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और या इसको जो है सो मैं इस तरह से सर्कल कर देता हूँ और इसको जो है सो मैं ऐसे करके और यहाँ पे कैमशाफ्ट की तरह डिजाइन बना के ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं दोनों को टच करवाऊंगा, घुमाऊंगा दोनों को, एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे ये या इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक ये पूरा सर्कुलर है टच नहीं करेगा, इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक इस ये टच नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मेरा ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा तो ये टच कर जाएगा। मतलब ये आपका टच कर जाएगा, जैसे ये पोर्शन आएगा मेरा ऐसे करके तो ये मेरा टच कर जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा देर के ये टच कर जाएगा, तो जैसे ही मेरा टच करेगा तो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, मान लो मेरा बल्ब जलने लगेगा, और जैसे ही मान लो मैं बंद कर देता हूँ तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाता है और ये पोर्शन लगता है
तो मेरा वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल होता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। मैंने थ्योरेटिकल बस थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये वाला पोर्शन, तो ऐसा ही होता है आपका कैमशाफ्ट, ठीक है। तो कैमशाफ्ट का यूज क्यों करते हैं, देखो कैमशाफ्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताया कि चार तरह का सिलेंडर होता है, मतलब चार तरह का स्टेप होता है। तो एक ये इनटेक होता है, ये कंप्रेशन होता है, ये आपका पावर होता है, और ये आपका एग्जॉस्ट होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वाले में इनटेक वाल्व ओपन होता है, और लास्ट वाले में आउटलेट वाल्व ओपन होता है, और बाकी जितना भी है वो क्लोज रहता है बाकी जगह पे। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है आपका इसी की वजह से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फ्रिज का एग्जांपल से समझो तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कैमशाफ्ट क्या है, कैमशाफ्ट इज यूज्ड इन आईसी इंजन टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व एट प्रॉपर टाइमिंग। ये आपको समझ में आएगा, प्रॉपर टाइमिंग मतलब व्हाट, प्रॉपर टाइमिंग मतलब यही हुआ कि इनलेट वाल्व मेरा, जैसे ही मेरा फर्स्ट स्टेप आता है इनलेट वाल्व ओपन हो जाना चाहिए, बाकी सारा वाल्व क्लोज होना चाहिए। सेकेंड स्टेज में सारा क्लोज रहना चाहिए, थर्ड स्टेज में सारा क्लोज रहना चाहिए, और फाइनल स्टेज में इनलेट को क्लोज होना है और आपका आउटलेट को ओपन होना है। तो ये कैसे हो रहा है यार, इतना जल्दी जल्दी स्ट्रोक हो रहा है, कैसे ये पॉसिबल है, ये कैम शाफ्ट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, और वैसे भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो फॉर प्रॉपर इंजन आउटपुट इनलेट वाल्व शुड ओपन एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट, है ना। इसका मतलब समझो, एंड ऑफ एग्जॉस्ट मतलब क्या, चौथा खत्म होके पांचवा, पांचवा मतलब क्या, फिर से पहला, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड क्लोज एट द एंड ऑफ इनटेक स्ट्रोक। तो ये तो मैंने आपको सारा चीज बता दिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग लेक्चर को दोबारा से सुनना, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें आपको बताया नहीं जा सकता है। चलो, और यहाँ पे एक चीज और देख लो आप लोग कि इट इज प्लेस्ड एट द टॉप और एट द बॉटम, डजंट, इसका कोई ये नहीं है, मतलब ये टॉप या बॉटम कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है। अब देखो पिस्टन पिन, ये भी मैंने आपको एक चीज बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। तो ये स्मॉलर एंड होता है और ये मान लो लार्जर एंड होता है। तो स्मॉलर जो एंड होता है आपका, ये पिस्टन से कनेक्ट रहता है, और ये आपका किससे कनेक्ट रहता है, क्रैंक शाफ्ट से, ये तो मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि ये क्या आपका, ये आपका कनेक्टिंग रड, यही आपका कनेक्टिंग रड। तो ये जो स्मॉलर एंड है वो आपका पिस्टन से कनेक्ट रहता है, किसके हेल्प से, पिस्टन पिन के हेल्प से। और वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है किसके हेल्प से, क्रैंक पिन के हेल्प से। तो जैसे ही आप क्रैंक पिन समझोगे, आप समझना कि कनेक्टिंग रड जो है सो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है, और जैसे ही आप पिस्टन पिन समझोगे, आप समझना कि कनेक्टिंग रड जो है सो पिस्टन से कनेक्टेड है, और पिस्टन से वो कनेक्ट रहता है स्मॉलर एंड, और क्रैंक शाफ्ट से वो कनेक्ट रहता है लार्जर एंड। तो ये भी ध्यान में रखना। तो यही कुछ इस तरह का पिन है, तो आप लोग देख लो, और वही चीज है आपका कि इट कनेक्ट्स द पिस्टन टू कनेक्टिंग रड, पिस्टन पिन है तो कनेक्टिंग रड का कनेक्शन हो रहा है पिस्टन के साथ, और अगर आपका क्रैंक पिन रहता तो कनेक्टिंग रड का कनेक्शन होता आपका किसके साथ, क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं पुश रॉड। अब देखो ये पुश रॉड क्या है, तो नाम से ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि पुश रॉड क्या होता है। देख लो पुश रॉड जो होता है वो कैम शाफ्ट को मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो कैम शाफ्ट को मोशन प्रोवाइड करता है, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। फ्लाई व्हील, अब देखो ये फ्लाई व्हील क्या होता है, आप लोग गन्ना का जूस पीते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो घुमा करके छोड़ दिया और वो घूमते रहता है। तो ये फ्लाई व्हील का यही काम है, ये देखो कितना बड़ा है। तो फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर करके एनर्जी सप्लाई करता है। समझने की कोशिश करो, जब गन्ना का जूस बनता है आप उसको हाथ से घुमाते हो, आप उसको हाथ से घुमाते हो मतलब आप उसमें एनर्जी दे रहे हो, आप उसको छोड़ दिए घुमाना, लेकिन वो कुछ देर तक घूमते रहता है। ऐसा क्यों होता है, वो फ्लाई व्हील क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है और उसके बाद वो एनर्जी को सप्लाई मारता है। तो ये होता है फ्लाई व्हील का काम, और ये यूनिफॉर्म मोशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, इट ऑल्सो मेक्स क्रैंक शाफ्ट रोटेशन मोर यूनिफॉर्म। और फंक्शन जो है आपका फ्लाई व्हील का वो क्या है, टू रोटेट द शाफ्ट ड्यूरिंग प्रिपेरेटरी स्ट्रोक। तो इतना ध्यान नहीं रखना है,
बस आप लोग ये लाइन याद रखना जो मैंने आपको ये कलर चेंज करके बताया है कि ये क्रैंक शाफ्ट रोटेशन को यूनिफॉर्म बनाता है। ओके, तो ये सारा पार्ट्स मैंने आपको बता दिया और आप बिलीव नहीं करोगे ये बहुत बड़ा सेक्शन मैंने आपको बताया है। सिर्फ दो लेक्चर मैंने आपको बताया है 25 मिनट्स का, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो मैंने आपको फिगर बताया है उस फिगर को बस आप लोग मेमोराइज कर लेना। फिगर कुछ नहीं है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से करेंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है और ये कनेक्टिंग रॉड जो करेंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है वो लार्जर एंड होता है आपका, ये स्मॉलर एंड होता है और स्मॉलर एंड जो होता है वो पिस्टन से कनेक्ट होता है विथ द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन, और लार्जर एंड जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है विथ द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। ऊपर में इनलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व आपका फर्स्ट स्टेप में ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व आपका लास्ट स्टेज में ओपन होता है और बाकी सर्ज सब जगह पे दोनों का दोनों आपका क्या होता है क्लोज रहता है। और ये बॉटम पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में ही सिलेंडर हेड होता है और सिलेंडर हेड में ही आपका ये वाल्व जो है दोनों का दोनों वाल्व रहता है और स्पार्क प्लग रहता है। स्पार्क प्लग जो होता है वो ऊपर में होता है और उसका काम क्या है स्पार्क देना और उसकी वजह से क्या होता है इग्निशन होता है। इंजेक्टर का काम क्या है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है और जिसकी वजह से इग्निशन होता है। तो बस इतना ही सा चीज मैंने आपको इतना तरीका से समझाया है, ये समरी था। अगर आप लोग इसको इतना को ध्यान में समझ जाते हो तो आप लोगों का यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो हीट इंजन वाले और डीजल मैकेनिक्स वाले दोनों का दोनों लोग, मैं एक ही बात बोलूंगा इस लेक्चर को इग्नोर मत करना, थ्योरेटिकल पार्ट है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछेगा आप लोग डायरेक्ट बना लोगे। और कौन सा चीज किससे बना हुआ होता है, जैसे कि कास्ट आयरन से आपका सिलेंडर ब्लॉक बनता है और क्यों बनता है, क्योंकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो सके। तो ये सारा चीज आप लोग देख लेना, इतना अच्छा से मैंने लिखा हुआ है तो उसको अगर आप लोग रीड कर लोगे तो आप लोगों का जो है सो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो। थैंक यू।